हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा स्टडी विद फार्मिंग ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको डिस्कशन करूंगा जानुश्रासन के बारे में। जानुश्रासन एक योगासन है, यानी कि यह एक आसन क्रिया है। जानुश्रासन करने से पहले मैं आपको उसके लाभ बताता हूँ। तो जानुश्रासन करने से सबसे पहले जो आपने पश्चिमोत्तानासन के बारे में जो लाभ पढ़े हैं, वही लाभ जानुश्रासन से भी करने से होते हैं। लेकिन इसके मैं फिर भी आपको एक दो लाभ एक्स्ट्रा बताता हूँ। जैसे कि जानुश्रासन के करने से आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है लचीली और इसका दर्द ठीक होता है, और आपकी मूत्राशय से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वह जानुश्रासन के करने से ठीक होती है। इसके अलावा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र, उसमें किसी भी तरह की अगर समस्या आ रही है तो वो दूर होती है, और आपकी आंतें और किडनी सही से काम करती हैं, और व्यक्ति का जो मोटापा होता है, फैट होता है, वो कम होता है, और पैरों की मसल्स और हाथों की मसल्स मजबूत होती हैं। तो आइए अब मैं आपको करके बताता हूँ। जानुश्रासन करने के लिए आप सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। जिस स्थिति में अभी मैं बैठा हूँ, आप सीधी अपनी गर्दन और कमर को सीधा करते हुए पैरों को सीधा रखेंगे। यह एक दंडासन की स्थिति है। इसके बाद सबसे पहले आप अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। इसके पहले आप अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे और इस तरह से सटा लेंगे। फिर आप अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। इस तरह से हाथों को लाते हुए यहाँ पकड़ेंगे और फिर अपने सर को घुटने से टच कराएंगे। इस तरह से आप जितने टाइम तक कर सकें कर सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरे पैर से भी करेंगे। इस पैर को सीधा रखेंगे, फिर दाएं पैर को फोल्ड करेंगे और अपने हाथों को इस तरह से सीधा ले जाएंगे और पैर को पकड़ेंगे और इससे टच कराएंगे, और फिर अपने हाथों को सीधा इस तरह से उठाएंगे। तो यह है जानुश्रासन। इसके बारे में खासकर उन लोगों को ध्यान रखना है जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर कंधे में गर्दन में दर्द है और कंधों में दर्द है या रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो उनको यह आसन बहुत सोच समझ कर और धीरे धीरे करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।